नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, अभी हम भक्ति काल का भाग संख्या 14 की चर्चा करते हैं, जिसके अंदर सूफी काव्य की प्रमुख रचना एवं रचना का सूफी काव्य की प्रमुख का रचना एवं रचना कौन से प्रमुख रचना है और कौन से रचनाकार है, इससे संबंधित हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मुख्य रचनाओं में बात करें तो हंसावली आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, हंसावली। अब इस हंसावली के कौन रचनाकार है, कौन नायक है, ये खुद कौन है, तो ध्यान रखना ये खुद है जो पाटन की राजकुमारी है, ये है जो कहां की है, पाटन की राजकुमारी। अब इसकी विशेषता क्या है, ये सुंदर है, ये क्या है, सुंदर है, लेकिन सुंदर भी क्या है, कैसी है, अद्वितीय है, जिसके समान कोई दूसरी नहीं है, ऐसा माना जाता है, वैसे होगी, लेकिन इन्होंने कहा है हंसावली पाटन की राजकुमारी है, कहां की राजकुमारी है, पाटन की राजकुमारी, सुंदर है और इसका नायक है, नायक शॉप में राजकुमारी के दर्शन करता है, इसका जो नायक है ना इतनी सुंदर है तो भाई कौन नहीं दर्शन करेगा, हैं? ऐसा कौन होगा जो इतनी सुंदर को प्राप्त नहीं करना चाहेगा, तो इसका जो नायक है वो क्या कर रहा है, इसको स्वप्न में ही प्राप्त करने का स्वप्न देख रहा है, स्वप्न देख रहा है कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, और फिर स्वप्न में दर्शन हो जाता है और वह मुग्ध हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि मुझे तो क्या मिल गई है, हंसावली मिल गई है, पाटन की राजकुमारी मिल गई है, इतनी सुंदर मिल गई है सुंदरी। तो ऐसा सोचते सोचते उन्होंने क्या किया, नींद के अंदर ही क्या हो गया, उसे स्वप्न आया और नींद में इन्होंने क्या कर दिया, दर्शन कर लिया, कोई रिस्क नहीं, नींद में ही दर्शन। अब वो प्रेम में पागल हो गया, सुबह उठा देखा प्रेमिका का, अरे कहां भाई, कन्या कोनी अगस्त को बीज रोंडा खेले अखाती। अब वो पागल हो गया और वह जोगी बन गया, जोगी यानी क्या बन गया, योगी वेश धारण कर लिया, किसका वेश धारण किया है, योगी का वेश धारण करके और उसकी खोज में निकल पड़ा, इस प्रकार से इतनी सुंदर जिसको मैं क्या करूंगा, खोजूंगा, जिसे प्रेम करूंगा, ऐसे ख्याल विचार देख करके वो उसकी खोज में निकल पड़ता है। बीच में गया, बहुत सारे राजकुमार आए, बहुत सारे राक्षस मिले, लड़ाई झगड़ा करते पिटते आगे गया और बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने सामना किया, लेकिन बहुत सारे संकट आए, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से उन्होंने उस संकटों से वो घबराया नहीं, बस एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को चिड़िया की आंख कि मुझे तो किससे मिलना है, मुझे तो केवल और केवल किससे मिलना है कि मुझे तो हंसावली से मिलना है, किससे मिलना है, हंसावली से मिलना है, ऐसा ख्याल करके वो क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है और आगे चल रहा है, ऐसा सोच रहा है और वह आगे चलते चलते गया, लेकिन अंत में जाकर के उसे क्या मिल जाती है, सफलता मिले जाती है।
अब योगी का वेश धारण करके जाता है और जैसे ही आगे जाता है तो इतनी सुंदरी से उनकी मुलाकात हो जाती है। अब वो सुंदरी से मिल लेता है, भारी संकटों से उसका सामना होता है, बहुत सारे संकटों को उन्होंने पार किया, लेकिन वह अक्षर उससे मिल गई। कौन? पाटन की राजकुमारी इंसावली सुंदर थी, और नायक है जो उसको देख करके क्या कर रहा है, स्वप्न देख रहा है, हो सकता है फोन में देखा होगा फोटो, और अब नींद में क्या ले रहा है, स्वप्न ले रहा है, और उसे प्राप्त करने की इच्छा क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है। अब वो आसानी से मिलने वाली थी नहीं, तो उन्होंने क्या कर दिया, जंगलों के अंदर पहाड़ों में इस प्रकार से चला गया, आगे गया आगे गया, और बहुत सारे संकट झेलने पड़े, लेकिन संकट झेले तो झेले, लेकिन उसकी प्राप्ति तो हुई कम से कम, तो उसकी प्राप्ति भी हो गई। ठीक है, ये कौन थी? हंसावली थी। ये कौन है? ऐसी करने वाली कौन है? ऐसी करने वाली तो कौन थी? ये हंसावली थी। ठीक है, ऐसी कौन थी? ऐसी करने वाली ये हंसावली थी। तो हंसावली के बारे में हम लोग जानते हैं कि हंसावली ऐसी क्यों थी। ठीक है, तो हंसावली वापस आ जाओ जहां भी गए हो, है ना। अब ये क्या है हंसावली? मैंने कहा पाटन की राजकुमारी अद्वितीय सुंदरी है, यह पाटन के राजा की कुमारी है, पाटन की राजकुमारी, अद्वितीय सुंदर, क्या है? अद्वितीय सुंदर है, और भाई क्या हो सकती इसमें? अब मैंने कहा कि इसका नायक स्वप्न में राजकुमारी के दर्शन में मुग्ध हो जाता है, तो इसका नायक स्वप्न में राजकुमारी की दर्शन करता है, क्या है? राजकुमारी के दर्शन करके मुग्ध हो जाता है। दर्शन करके मुग्ध हो जाता है। अब क्या करेगा? प्रेम में पागल होकर योगी वेश में उनकी खोज में निकलता है। क्या कर जाता है? प्रेम में पागल हो गया। अब प्रेम में पागल होकर योगी वेश में खोज में निकलता है। क्या करता है? योगी वेश में उनकी खोज में निकलता है और भारी संकटों से उनका सामना होता है। ठीक है, भारी संकटों का सामना करते हुए उसे पा लेता है,
भारी संकटों का सामना करते हुए उसे पा लेता है। क्या कर लेता है? भारी संकट तो झेलने पड़े लेकिन अक्सर वो क्या कर लेता है, उसे प्राप्त कर ही लेता है। संकट तो झेले लेकिन उसे क्या किया, प्राप्त कर लिया। संकटों को झेलते झेलते उन्होंने क्या कर लिया, उसे प्राप्त कर लिया। बहुत सारे क्या आए, संकट भी आए और उसे क्या कर लिया, पा लिया। ठीक है भाई, ये हो गया हंसावली। ये किसका हो गया है, हंसावली का। आगे देखो और कौन है, और अगर हम बात करें तो अपन चंदायन की बात करते हैं। किसकी करते हैं, चंदायन की। अब ये चंदायन, चंदायन कौन है, इनकी रचना किसने की, तो इसकी रचना की बात करें तो मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में की थी। इनकी रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में की थी, 1379 ईस्वी में की थी। इसका जो नायक था, ध्यान रखना, इसका नायक है जो है लोर, इनका नायक है उसका नाम क्या है, लोर या लोरिक। ठीक है, नायक लोर या इसे क्या कहते हैं अपना, लोरिक। इसे क्या कहते हैं, इनका नायक लोर या इसे क्या कहते हैं, लोरिक। तथा नायिका कौन है, चंदा है। तथा नायिका चंदा है ना, चंदा चंदा या ना। ठीक है, अब ये इसके नायक और नायिका है, इस बात का भी अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है। और मुल्ला दाऊद ने की है। आगे और देखें तो और क्या सी क्या रचना है, तो हम इसके बाद में देख सकते हैं लखम सेन। किसकी देख सकते हैं, लखम सेन पद्मावती कथा। लखम सेन कौन सा सेन है, लखम सेन है, और इसकी पद्मावती क्या है, कथा है। ठीक है, पद्मावती कथा। इनकी जो कथा है वो कैसी है, पद्मावती कथा है। ठीक है भाई, पद्मावती क्या हो जाएगी, कथा हो जाएगी। अब इसकी रचना दामोदर कवि ने की है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है कि इसकी रचना किसने, दामोदर कवि। इसकी रचना है वो किसने की है, दामोदर कवि ने की। अगर ये भी पूछ ले भाई कब की है, तो आपको बताना 1459 में की है ना, ने 1459 ईस्वी में की थी।
ये भी अगर आपको पूछे या जानकारी में रखना है तो ये भी रखना 1459 में, ठीक है भाई, ये भी याद रख लेंगे। तो अगली है सत्यवती कथा। कैसी कथा? सत्यवती कथा। आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि सत्यवती कथा और ये 1501 में, ठीक है, 1501 ईस्वी। कब है? 1501 में भी है ना। आपके 3 में मृगावती कुतुबन की है, इसका ध्यान रखना है। तो इसकी रचयिता है वो ईश्वरदास ने किया था। किसने? रचयिता ईश्वरदास, ठीक है, रचयिता ईश्वरदास। इसका जो रचयिता है वो कौन है? ईश्वरदास। और इसके बारे में भाई क्या मिल सकता है? इनके बारे में और अगर बात करें तो ध्यान रखना कि इसके बारे में कथानक का संबंध है राजकुमारी सत्यवती एवं राजकुमार ऋतुपर्णा के प्रथम प्रेम प्रसंग से इनका क्या किया गया, वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना कथानक का संबंध इनका जो कथानक है, इनका संबंध राजकुमारी सत्यवती, संबंध राजकुमारी सत्यवती। राजकुमारी तो कौन है इसके अंदर? सत्यवती है एवं राजकुमार ऋतुपर्ण एवं राजकुमारा ऋतुपर्ण। राजकुमार का नाम क्या है? ऋतुपर्ण है। के प्रथम प्रेम प्रसंग से संबंध है ना, के प्रथम प्रेम प्रसंग से है, के प्रथम प्रेम प्रसंग प्रथमा प्रेम प्रसंग से इनकी क्या की जा रही है? चर्चा की जा रही है, ठीक है भाई। प्रारंभ में राजकुमार को नायिका शाप देती है और नायक बेचारे को क्या हो जाती है? कोड निकल जाती है। लेकिन उसी नायिका का और उसी नायक से बाद में क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। जो शाप से क्या मिल जाती है? उसे मुक्ति मिल जाती है। इस बात का ध्यान रखना, प्रारंभ में राजकुमार को, प्रारंभ में किसका श्राप मिलता है? इस नायिका को, वो नायिका के श्राप से क्या हो जाता है? कोडी होना पड़ता है, कोडी होना पड़ता है। ध्यान रखना, यही सही करना, यानी कि ये लिख दे अपनी, ये गलत है, ठीक है, कोडी होना पड़ता है। पर अंत में उसका नायक से, पर अंत में उसका नायक से विवाह हो जाता है, नायक से विवाह हो जाता है, अंत में जाकर के उसी नायक से उसका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है, है ना। वह साफ से क्या मिल जाती है? मुक्ति हो जाती है, ठीक है, एवं मैं साफ से मुक्ति हो जाती है ना, यह छुटकारा मिल जाता है या मुक्ति हो ही जाती है। इस बात का भी अपन को ध्यान में रखना है। पहले तो शाप दिया,
है ना, और उसके बाद में शादी की, शादी करने के में से उसका प्रेम है वो क्या हो गया, बढ़ गया, और बढ़ने के बाद में उन्होंने उसका क्या चाहा, प्रेमिका ने प्रेमिका क्या चाहा, भला चाहा, और उनके जो कोडी निकली हुई थी उस कोडी से भी उसको क्या होगी, मुक्ति मिल गई, यानी उस कोड है वो क्या हो गई, गायब हो गई, ऐसा भी मिलने को देखने को मिलता है। इस बात का भी आप लोगों को क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। तो इसमें कोई किसी भी प्रकार से क्या नहीं आनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये भी कि प्रारंभ में राजकुमार नायिका का साफ से क्या हो जाता है, कोडी निकल जाती है, और बाद में क्या होता है कि वो से विवाह हो जाता है, और उससे क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। अगली अगर बात करें तो रूप मंजरी, कौन सी मंजरी है रे, रूप मंजरी, रूप मंजरी। अब ये रूप मंजरी किसकी है भाई, अष्टशाप के प्रसिद्ध कवि, ध्यान रखना, अष्टशाप के प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि जिसका नाम क्या था, नंददास, है ना, कवि नंददास द्वारा, नंददास द्वारा रचित है। अष्टशाप में आठ कवि थे जिनमें से नंददास ही है, और नंददास ही की क्या है, नंददास द्वारा रचित है रूप मंजरी, द्वारा रचित क्या है, रूप मंजरी, ठीक है भाई, ये रूप मंजरी है वो नंददास के द्वारा क्या है, रचित है। किसके द्वारा रचित है, तो नंददास के द्वारा रचित है। अगर ये भी पूछ ले भाई कब है, तो 1568 में, कब है, 1568 ईस्वी में, 1568 की क्या हो रही है, बात हो रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो याद रहना ही रहना है। आगे देखे तो मृगावती, कौन सी वती है, मृगावती। अब ये है मृगावती जो 1503 में, ठीक है, ये कुतुबन कृत मृगावती है, ध्यान रखना भाई, कुतुबन कृत मृगावती है, कुतुबन कृत मृगावती 1503 में, 1503 ईस्वी की यह क्या है, बात है। मैं नायक राजकुमार है भाई, ध्यान रखना, मैं नायक राजकुमार, नायक तो इसका कौन है रे, राजकुमार है, ठीक है भाई, और तथा नायिका मृगावती के प्रथम मिलन का वर्णन है, तथा नायिका मृगावती के प्रथम मिलन का वर्णन, प्रथम मिलन का क्या है, वर्णन है, प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है, ठीक है, ये भी याद रहने वाली बात है, कोई दिक्कत वाली इसके अंदर भी बात नहीं है, ठीक है। मृगावती के प्रथम मिलन का क्या किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। और कौन सी अगर बात करें तो जैसे मधुमालती 1545 में, ठीक है भाई, मधुमालती, अब ये हो गई भाई मधुमालती, और मधुमालती कब है, तो 1545 में, कब है, 1545 ईस्वी में है, है ना, 1545 ईस्वी, 1545 ईस्वी की क्या हो रही है, ये बात हो रही है। इसमें नायक नायिका, नायक है मनवर, ध्यान रखना, इसका जो नायक है वो कौन है, मनहर, है ना, मनोहर है, और नायिका तो आपको पता ही है, नायिका तो आपको
पता ही है नायिका कौन हो जाएगी, मधु मालती हो जाएगी। कौन सी मालती हो जाएगी, तो मालती हो जाएगी वो मधु मालती हो जाएगी। ठीक है, मनोहर नायक है और ये नायिका है। ध्यान रखना इस नायक की विशेषता क्या है, इस नायक की जो विशेषता है ना, ये नायक नायक क्या है, इसमें नायक एक पत्नी धर्म का पालन करता है। यह नायक का एक पत्नी, एक पत्नी धर्म है ना, पत्नी को कहते हैं पति व्रता होना चाहिए है ना, तो ये भी क्या है, पत्नी व्रता। ठीक है, तो ये क्या, ये नायक का एक पत्नी धर्म का पालन, धर्म का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है भाई, ये है जो अपने क्या है, प्रमुख रचना भी है और इसके साथ साथ में इनकी क्या है, रचनाकार भी है। कौन सी रचना है और कौन सी क्या है, रचनाकार है, ये बात है जो इस क्लास के अंदर बताई गई है। ठीक है, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम होने वाली बात तो नहीं है, होने वाली है क्या, नहीं, किसी भी प्रकार से कोई समस्या होने वाली नहीं है। ये हंसावली की बात हो रही है, पाटन की राजकुमारी है, ये राजकुमारी कहां की है, तो ये राजकुमारी है वो कहां की है, पाटन की राजकुमारी है। कैसी है, ये तो सुंदर है, सुंदर में कैसी है, अद्वितीय सुंदर है। तो इनको भी आप क्या कर दीजिए, पढ़ते रहिए। अगली क्लास भाग संख्या 15 के अंदर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। जब तक बहुत बहुत आपको धन्यवाद।